हेलो दोस्तों, मैं हूं अर्चना और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल होम स्टाइल कुकिंग में। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूं कोल्ड कॉफ़ी की रेसिपी, और वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो इस रेसिपी को बनाने की जो खास ट्रिक है वो भी मैं आप लोगों के साथ आज के इस वीडियो में शेयर करने वाली हूं, जिससे कि आप बहुत ही आसान तरीके से आप इसे घर पर बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो के अंदर देखिए, रेसिपी पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो कोल्ड कॉफ़ी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कॉफ़ी पाउडर। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा बाउल लिया है और उसमें मैं ले रही हूँ 2 टेबल स्पून कॉफ़ी पाउडर। साथ ही में इसके हम डालेंगे चीनी। चीनी भी मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 टेबल स्पून। चीनी की मात्रा कम ज़्यादा आप कर सकते हैं अपने टेस्ट टू अकॉर्डिंग। और अब इसमें हम डालेंगे पानी। पानी जो मैंने लिया है वो थोड़ा सा गुनगुना लिया है, जिससे कि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए और इसमें कॉफ़ी पाउडर भी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो दोनों को अच्छे से हमें इस तरीके से मिक्स कर लेना है चलाते हुए। तो यहाँ पर देखिए चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है और अच्छे से ये मिक्स हो गया है, तो अच्छा सा लिक्विड तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम इसे साइड में रख देते हैं, और कॉफ़ी तैयार करने के पहले जिस भी ग्लास में हमें सर्व करना है उस ग्लास को पहले मैं यहाँ पर डेकोरेट कर ले रही हूँ चॉकलेट सिरप से। अगर चॉकलेट सिरप ना हो तो आप चॉकलेट को मेल्ट करके भी आप इस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। तो बस इस तरीके से इस ग्लास को घुमाते जाएंगे, बस खुद ब खुद ही ये डेकोरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने जो है 2 ग्लास डेकोरेट कर लिया है इस तरीके से सर्व करने के लिए कॉफ़ी को। तो चलिए कॉफ़ी बनाने के लिए यहाँ पर लिया है मैंने ब्लेंडिंग जार, और इसमें मैं ले रही हूँ दूध। दूध एकदम ठंडा होना चाहिए, जो फ्रिज में जैसे गर्म करके और उसके बाद ठंडा करके फ्रिज में रख देते हैं तो एकदम चिल्ड जो होता है वही दूध मैं यहाँ पर ले रही हूँ, नॉर्मली जो गाय का दूध होता है। तो 2 ग्लास मैंने यहाँ पर दूध लिया है एकदम ठंडा, और जो कॉफ़ी जो सिरप मैंने बनाया है वो मैंने इसमें डाल दिया है, और साथ ही में कुछ आइस क्यूब भी यहाँ पर डाल देंगे। और अब ये आती है खास ट्रिक की बारी, जो मैं अभी डाल रही हूँ ये है मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर जो है 1 टेबल स्पून मैंने इसमें भर के डाला है, और अब इसे बंद करके ब्लेंड कर लेंगे। तो बस ये देखिए कोल्ड कॉफ़ी जो है बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही आसान है इसे बनाना, बहुत ही झटपट आप बना सकते हैं घर पर और इंजॉय कर सकते हैं। और जब आप इसे ब्लेंड करेंगे तो इसमें बहुत सारा झाग बन जाता है, जो इस तरीके से ऊपर से जो झाग बनेगा ऊपर से हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए कितना सुंदर झाग बना है इसमें। और बस आप इसे चॉकलेट सिरप से किसी भी तरीके से आप इसे डेकोरेट कर दीजिए, कॉफ़ी पाउडर से डेकोरेट करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं। तो ये देखिए रेस्टोरेंट स्टाइल कोल्ड कॉफ़ी जो बनकर, कितना आसान है इसे बनाना, बहुत ही आसान तरीके से बनकर ये तैयार हो गया है। तो आई होप कि आज की रेसिपी आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे इसी तरह की रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।